बात करते हैं राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान में ओवैसी साहब अपनी सियासी जमीन अब तलाशने लगे हैं। उनको ये लगता है जिस तरह से बिहार में हमें 5 सीटें मिल गई, राजस्थान में भी मिल जाएगी। लेकिन असल में राजस्थान का सियासी समीकरण थोड़ा अलग है। लगभग ऐसी 35 से 36 विधानसभा सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे मुस्लिमों का प्रभाव है, और कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, इसीलिए उम्मीदें जाग चुकी हैं ओवैसी साहब की। कुंदन, देखिए कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे संभाग हैं जिन पर नजरें हैं ओवैसी साहब की। ओवैसी को लगता है कि वहां पर चूंकि मुस्लिम आबादी ज्यादा है इसलिए उन्हें ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो कुछ संभाग हैं, जयपुर संभाग की बात करें, ये 4 संभागों की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में मुस्लिमों की आबादी है, और उन्हीं मुस्लिमों की आबादी के मद्देनजर ये तैयारी है ओवैसी साहब की कि वो चाहते हैं कि वहां पर अपने प्रत्याशी उतारे, और बिहार में जिस तरीके का कमाल किया था उन्होंने वो कमाल वहां भी करके दिखाएं। इधर आम आदमी पार्टी भी अब राजस्थान के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, वहां पर वो कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी और MIM कि वहां पर जो जमीन है वो अपने लिए तैयार करें। लेकिन वहां पर पहले से कांग्रेस और BJP के बीच सीधा मुकाबला होता रहता है। इस बार मुकाबला हो सकता है बेहद दिलचस्प हो, क्योंकि MIM मुस्लिम इलाकों में पैक बनाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्लानिंग है 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर। नीतू, बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी एक बड़ी तैयारी के साथ राजस्थान में दिखाई देगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी हुंकार भरते हुए नजर आ रही थी आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अपनी पकड़ को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश में और अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। लेकिन अब देखिए राजस्थान 2023 का ये चुनाव, ऐसे में आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी तैयारी होगी, क्या कुछ होगा, इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी लोकेश नागर। लोकेश, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए 2023 का चुनाव ओवैसी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, कितनी बड़ी तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए होने आने वाले दिनों में। हम बताएं कि आम आदमी पार्टी लगातार राजस्थान में सक्रिय है और अगले वर्ष राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर BJP पूरी तैयारी के साथ है, कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी अब राजस्थान में सक्रिय हो गई है। 7 और 8 अक्टूबर को आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल राजस्थान आ रहे हैं, और जिस तरह पिछले दिनों में देखा जाए राजस्थान के एक एक जिले, एक एक विधानसभा क्षेत्र और एक एक पंचायत स्तर तक आम आदमी पार्टी है जो संगठन खड़ा करने का यहाँ राजस्थान प्रयास कर रही है, और उसके साझा प्रयास स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बिजली, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर एक बड़ा वादा जनता के साथ किया था और फिर उसे निभाया भी, तो वही भरोसा राजस्थान में भी आम आदमी। तो चलिए सीधे आपको ले चलेंगे लखनऊ जहां पर CM योगी संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। CM योगी आदित्यनाथ फिलहाल देखिए लखनऊ में इस वक्त, देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, CM योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और कई बड़ी योजनाएं मिल रही हैं। लेकिन ऐसे में CM योगी आदित्यनाथ के दौरे को तो आपने देखा, अब बात करेंगे पिछली खबर की, जिस तरह से ऐसी सियासी जमीन की तलाश में है राजस्थान में, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर उनका फोकस भी है, और कैसे वहां पर जीत प्राप्त की जाए लगातार उन समीकरणों को भी साधने में लगे हैं। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर अशोक गहलोत वर्सेस AIMIM इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को ये डर है कि उनका वोट बैंक काट सकती है ओवैसी की पार्टी। क्योंकि ओवैसी की पार्टी की अगर हम बात करें तो कई बार कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि BJP के लिए ओवैसी की पार्टी खड़ी होती है चुनावी मैदान में, और ऐसे में गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपने देखा आम आदमी पार्टी कमाल दिखाने की कोशिश में है, कुछ उसी तरह से राजस्थान में भी। कुंदन, तो 4 संभागों में मुस्लिम प्रभावी हैं जहां पर जीत और हार तय करते हैं मुस्लिम मतदाता, इसलिए ओवैसी की नजर है। अजमेर संभाग में टोंक, पुष्कर, मकराना, डिडवाना, मसूदा और नागौर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है, इसलिए वहां पर ओवैसी साहब की नजर है। देखिए जयपुर संभाग में फतेहपुर, तिजारा, रामगढ़, किशनपुर और हवा महल, ये तमाम वो विधानसभा सीटें, वो तमाम वो इलाके, ये तमाम वो संभाग जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इन्हें कहा जाता है और कहा जाता है कि यहां पर इनका प्रभाव है और ओवैसी को यहां पर कुछ तो हाथ लग सकता है। कुंदन, तो ये वो संभाग है जहां पर नजर है ओवैसी की और उन्होंने तैयारी की है, कई जगहों पर जनसभाओं का आयोजन करने जा रहे हैं वो, और मुस्लिम आबादी पर उनकी नजर रहेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी यही उनकी कोशिश थी लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ओवैसी जहां पर भी मुस्लिम आबादी होती है वहां पर वो कोशिश करते हैं कि उन्हें लुभाया जाए, उन्हें अपनी तरफ किया जाए, लेकिन इसके एवज में
उन पर आरोप लगते रहे कि वो बीजेपी के लिए बी टीम के तौर पर काम करते।